हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं तारीख शिक्षा 2010 सॉल्व पेपर का जो है 31वां पार्ट टू को। तो ये है आपका 31वां क्वेश्चन, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब की गई। तो ये की गई थी आपका जो है 1903 में, और इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ देख लीजिए। बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज 1903 में प्रारंभ की गई, अतः सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। तो इसको दावा पत्ती लगा होगा तो इसको काट दिया गया था क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है। तो ये आपका होता है 270 से 280 ग्राम। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें, होते हैं 9 प्लेयर्स प्ले इन में होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा 3 और होते हैं, टोटल 12 होंगे इसमें भी। जैसे कबड्डी खो खो जानते हैं, वैसे प्ले इन में इसमें 9 होता है। चलिए, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया हूँ पूरा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, और यहाँ टेनिस, क्रिकेट तथा फुटबॉल में असंख्य दीवाने हैं, और प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, और बेसबॉल के की गेंद का वजन जो है 142 से 149 ग्राम के बीच होता है। गोपीचंद कीरा खेल से किस हो गए सॉरी किस खेल से संबंधित है। तो ये है आपका बैडमिंटन से, और ये ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो मतलब सभी प्रकार के जो है अवार्ड मिल चुके हैं इनको। जैसे पुलेला गोपीचंद का जन्म 1973 में जो है नागा दल्ला आंध्र प्रदेश में हुआ था, और यह बैडमिंटन की के खिलाड़ी हैं। इन्हें 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, और इसके अलावा ये क्या बोलते हैं 2000 और 2001 का है। इसके साथ ही इसको जो है अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, इसको खेल प्रशिक्षक का जो है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। तो ऐसे खिलाड़ी हैं ये, जिसे तीनों अवार्ड मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं। तो ये होता है आपके, उत्तर 3 हो जाएगा, 10 से 12 चक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो ये शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां ओलंपिक 2000 कहाँ संपन्न हुआ। तो इसको छोड़ दीजिए, ये हुआ था बाकी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और जो अभी 2022 का ओलंपिक, ठीक है, 18 का कहाँ हुआ तो उसको देख लीजिए। तो जो अभी संपन्न 16 में हुआ है, रियो डी जेनेरो, ठीक है। तो रियो ओलंपिक 2016-2020 में कहाँ होगा इसको याद रख लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस आपका टेनिस है, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, डेविस इस आया, मतलब टेनिस में भी इस आता है, डेविस में भी। तो ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, टेनिस की ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं जहां व्यक्तिगत व्यक्तिक उपलब्धियों वाली जो है विशुद्ध पेशेवर स्पर्धाएं हैं, वहीं डेविस कप में राष्ट्र के प्रतिष्ठा सर्वोपरि होती है। यह पुरुष टेनिस की स्पर्धा है, और वर्ष 1899 में इस टूर्नामेंट की परिकल्पना हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका की टेनिस टीम के 4 जो है सदस्यों द्वारा की गई थी। इस टीम के सदस्य जो है ड्वाइट किली डेविस के महान प्रयासों से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। निम्न में से कौन सी फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना है इनमें से, यहाँ नहीं दिया है जो है, लेकिन जो है भारत में आई थिंक ये डलहौजी क्लब ही को सबसे पुराना बोलते हैं,
शेफील्ड फुटबॉल और क्लाइव इसके अंतर्गत ये डलहौजी मेरे ख्याल से होना चाहिए, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिए, कमेंट करके बताइए जरूर इसको अगर आंसर कौन सा है। तो मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराए जाते हैं उसे निम्न में से क्या कहते हैं, तो उसे रिंग कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया, तो ये आपका है विलियम जेम्स। ये थोड़ा हार्ड है, चलिए। और कई जो है बोल रहे थे कि हार्ड क्वेश्चन लाए करके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। स्टीपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होगा, तो उसमें कितना होता है आपको, 7.5 राउंड होता है, ठीक है। किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है, तो ये होगा आपका आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक में होता है, आइसोमेट्रिक में नहीं होता है संकुचन। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी। स्ट्रोक मतलब पेनाल्टी और किक मतलब फुटबॉल। कई बार पूछा जा चुका है ये भी, अभी तक देखते आ रहे होंगे जो मेरे सॉल्व पेपर सीरीज को। निम्न में से कौन द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है, तो द्वितीय प्रकार के लीवर क्या होगा आपका, पहला इसमें वी सीट स्थिति। बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये 2008 जो है 8 का है, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी ये जीता था आपका राफेल नडाल ने। और अभी जो 2016 जो हुआ रियो डी जेनेरो में, तो उसका देख लेंगे किसने जीता। कौन सा प्रोजेक्टाइल्स प्रक्षेप्य का उदाहरण है, तो यह आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, हवा में फेंकी हुई गेंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है, तो दूसरा आंसर है शटल रन। निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है, तो ये है आपका कार्ल लुइस, ये बहुत ही महान एथलीट रहे हैं, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड के मतलब बादशाह ही। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया रूप प्राप्त होते हैं, यह कथन किसने सॉरी किससे संबंधित है, तो ये है आपका जेबीनेस। और इसका एक और कथन है जेबीनेस का, जिसमें उन्होंने जो है आपका मांसपेशियों से ही रिलेटेड जो है परिभाषा दिया है, ठीक है, और वो ज्यादा फेमस है इससे। डूरंड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपको फुटबॉल से। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है, दोबारा हो गया क्वेश्चन। ह्यूमरस हड्डी स्थित है, तो ये ऊपरी लिंब में जो है होता है और ये हाथ में होता है, ठीक है। गेंद और गड्ढेदार जोड़, तो ये कंधा का जोड़ होता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से इसको थोड़ा से मैं नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन है आपका पुरुष भाले की लंबाई है, तो पुरुष भाले की लंबाई 260 से 280 होता है, सॉरी 260 से 270 मीटर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मीटर दौड़ के दूसरी लेन का स्ट्राइकर 400 मीटर होगा, 400 मीटर दौड़ के दूसरी लेन का स्ट्राइकर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 7.04 मीटर, ठीक है। फर्स्ट स्ट्राइकर तो जीरो रहता है, मतलब खाली रहता है, उसमें नहीं दिया जाता, उसके बाद दूसरा से ही स्टार्ट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। कई जने दूसरा करके जो है इससे प्लस कितना होता है इसमें पता है ना, 6 पॉइंट ये होता है 7.67 ना, ये प्लस होते जाता है, तो ये हो जाता है 7.7
ऐसे समथिंग 7 14 ऐसे समथिंग होगा, नहीं 7 4 11 का 1, और ये हो जाएगा आपका 7, तो 14 पॉइंट। नेक्स्ट जो होगा थर्ड स्ट्राइकर कितना होगा आपका, 14.71 होगा, ठीक है। तो ये 7.67 ये प्लस होते जाता है, तो इसको याद रख लेंगे स्ट्राइकर का। लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र होगा, तो ये होगा आपका 9 × 2.75, ठीक है। 9 मीटर लंबा और 2 75 मीटर चौड़ा, ये 9 से 10 भी रहता है कई जो है बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई होती है, तो 100 मीटर में आपका महिलाओं का जो होता है 0.840 मीटर, ठीक है, या इसको 84 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसके बारे में पूरा वीडियो बना है आपका बाधा दौड़, ये सब एथलेटिक इवेंट का आप लोग देखे होंगे जो कंटिन्यू है, नए हैं उनके लिए आप पीछे जाके पूरे जो है वन लाइनर क्वेश्चन में देख सकते हैं इसको। पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई, तो ये होता है 1.6067 होगा, ये फोर्थ आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर घुमाओ है, यहाँ पर जीरो नहीं दिया है बीच में, तो ये 67 हो जाएगा, 67 मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये 0.67 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच क्रिकेट मैच में कितने अंपायर होते हैं, तो क्रिकेट मैच में जो मुख्य 2 अंपायर होते हैं रहने के लिए, लेकिन अभी के इसको जो है थर्ड अंपायर भी आ गया है, फोर्थ अंपायर भी है, बाकी जो है आपका आंसर में ये 2 अंपायर ही आपका सही होगा, क्योंकि 2 अंपायर ही मेन होते हैं मुख्य वहां पर। फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू नेक्स्ट अपडेट प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। आपका ऐसे ही प्यार बनाए रखें, प्लीज़ लाइक।